नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं हूं अरुण दुबे। रामगढ़ सीएससी से महज 100 मीटर दूर सेखावत के बाग में मनोज खंडेलवाल के मकान के सामने 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जी हाँ, आज दोपहर लगभग 12 बजे के करीब युवती का शव मिलने से मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इधर युवती के भाई दौलत भीड़ को देख कर मौके पर पहुंचा और शव को अपनी बहन सुनीता कचेरा का शव बताया। शव गला घोट कर हत्या का लगता था। जी हाँ, युवती के गले पर फंदा लगाकर गला घोटने के निशान व युवती की आंखें बाहर निकली होने से शव को देखने पर प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा हत्या के एंगल से जांच के लिए डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाया गया। जी हाँ, जांच के लिए एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा, डीएसपी दीपक शर्मा, प्रशिक्षु डीएसपी राजेंद्र कुमार, थाना अधिकारी रामनिवास मीणा सहित अन्य अधिकारी जांच में जुट गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएससी ले जाया गया। अचानक कैसे गायब होगी सर? यही तो नहीं पता लगा, ऐसे कैसे हो? कितनी 10 पड़ी हुई है? हाँ जी सर। कौन से स्कूल पड़ी? ये गर्लिंग स्कूल नहीं है। कब तक पड़ी थी वहाँ सर? इसने पहले तो इसमें पढ़ी थी अपने जो अस्पताल के सामने बालिका स्कूल। अब कब तक पढ़ाई कब छोड़ी थी सर? पढ़ाई तो मेरे को अंदाजा नहीं है, होगी भी 5-6-7 साल। 6-7 साल से पढ़ाई छोड़ दी। पापा का नाम क्या है आपका? शाम लाल। शाम क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, चिनाई करते हैं घरों पे। और आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, पहले टाइलों का काम करता, तब लॉकडाउन से दुकान भी करते हैं। तो तीन भाई बहन और एक भाई हो? तीन बहन। हाँ ठीक। अच्छा, आप सबसे छोटे भाई हो? हाँ, मैं सबसे। आप क्या करते हो? मैं रामगढ़ तस्वीर में आज सुबह पुलिस को इतना मिली कि रामगढ़ में एक बाग है, राजपूतों का बाग है, उसमें एक मोबाइल मतलब 22 वर्षीय युवती की डेड बॉडी मिली। घटनास्थल पर गए, प्रथम दृष्टा गला घोटा गया है चुन्नी से, हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन आरोपी है, इस संबंध में अनुसंधान किया है।